हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं इंस्टाग्राम की क्विट्स लाइंस को हमारे मोबाइल की मदद से विद वेरी इजी स्टेप्स। तो बस आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताता रहता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप की इमेज को एकदम ऐसा, तो वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि हम इस इमेज को ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा, आपको उसको सबसे पहले डिलीट कर देना है। देन आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आपको कौन सी इमेज पे अपने क्विट्स बनाने हैं वो इमेज यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लो। मैं फॉर एग्जाम्पल के इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको यही इमेज को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप सिंपली उसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कोई सा भी रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको बहुत सारे रेशियोज मिलेंगे बट मैं आपको प्रेफर करूंगा, ये अच्छा है। देन हम इस पे राइट पर क्लिक करेंगे और देन आपकी इमेज इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। देन आप जैसे ही इमेज को सिलेक्ट कर लोगे वो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको वापस यहाँ वाले प्लस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ एक आ जाएगा, आपको उसके ऊपर सिंपली डबल टैप करके उसको ओपन कर लेना है ताकि हम उसको एडिट कर सकें। देन आपको इसको फर्स्टली तो इरेज कर लेना है। देन आपको वो लाइंस को लिख लेना है जो कि आप जिस पे क्विट्स बनाना चाहते हो, वो तो आपकी मर्जी है। तो मैं फॉर एग्जांपल के कोई सी भी लाइन को ले लेता हूँ। सिंपली इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मैं कॉपी करके पहले लेके आ गया था। देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ये गलती से मैंने डबल टैप किया तो वो रोटेट हो गया, नीचे ऑप्शन है ना रोटेट वाला, तो उससे रोटेट हो गया है। तो देन हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हो। देन आपको यहाँ पे नीचे एक ए लिखा हुआ मिलेगा, कैपिटल ए। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसको सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन का, जो कि ये रहा। आपको उसके ऊपर सिंपली ऑप्शन पे दबा के आपको इसमें बीच में एकदम सेंटर में अलाइन कर लेना। आप चाहो तो ऐसे 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 कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको प्रेफर करता हूँ बीच में आप इसको सेंटर में अलाइन करो। देन हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं जो कि ऐसे रहे तो अच्छा रहेगा ना। ओके, यहाँ पर। देन हम क्या करेंगे, इसको राइट पे क्लिक कर देंगे। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंड्स के ऑप्शन पे जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल ऐप में बहुत सारे फंड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बाय चांस आप और भी फंड्स को ऐड करना चाहते हो अपनी फाइल से तो आप माई फंड्स पे जाके यहाँ पे सिंपली टैप करके कोई सी भी OTF या फिर TTF की फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन मैं यहीं से एक फंड को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस वाले को, या फिर चलो एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन हम इसको ओके पे क्लिक कर लेंगे। आपकी जो मर्जी हो आप वो फंड यूज़ करो। देन हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको सिंपली ऐसे भी इंक्रीज़ कर सकते हो। इस डायल को बेस से आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एकदम ऐसे कर लेता हूँ सेटअप, कितनी साइज रखनी है। देन इसको छोटा करते हैं, ठीक है। आप साइज जैसे ही सेटअप कर लो तो आप राइट पे क्लिक करो और देन आपको यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको ऐसे इधर उधर राइट टू लेफ्ट आप इसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। देन आपको राइट पे क्लिक कर देना है और आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा एक इसमें शेडो आ रही थी हल्की सी, उसको ऑन कर देंगे हम शेडो के ऑप्शन पे जाके, और इसके ब्लर को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप इसको अनेबल करते हो नीचे वाले आउटर ग्लो को तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो मैं इसको नहीं फैलाना चाहती इसलिए मैं इसको बंद ही रखूँगा। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको तो पता ही, ऊपर नीचे, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट पे ही। और हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि कई कई शब्द मैंने ऐसे लिए थे कि आपको कुछ अलग अलग कलर के देखने को मिल रहे थे, तो वो हमने किस तरीके से किया था, आपको सिंपली कलर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे यही वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएंगे जो आपने अभी लिखी थी लाइनें। आपको क्या करना है, सिंपली उस लाइन आप कह सकते हो वर्ड पे जाना है जिसका कलर आपको चेंज करना है। तो मैं सिंपली ये बहुत लिखा हुआ है इसको चेंज करूँगा येलो कलर में, तो मैं इस पे इसको रख लेता हूँ यानी सिलेक्शन कर लेता हूँ। देन इसको येलो कलर पे सेलेक्ट कर लूँगा तो आप जैसे ही देखोगे इसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो कुछ हो चुका है सिर्फ इसी वर्ड का। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कोई कोई लिखे हुए को भी मैं येलो कलर में बदल लेता हूँ, तो मैंने ये बदल लिया। देखो अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा एक बड़ा सा ऊपर लिखा हुआ था हेडिंग सा आप कह सकते हो कुछ, उसको लिखने के लिए आपको वापस प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक और न्यू टेक्स्ट को आपको ऐड कर लेना है।
देन आप जैसे ही न्यू टेक्स्ट को ऐड करते हो, आपको सिंपली वापस एडिट पे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। आपको यहाँ पर ऐसी लाइन लिखनी है जो कि आपने नीचे लाइन लिखी थी, दो या तीन लाइंस की जो भी थी, उसमें मेन वर्ड जो होता है जैसे कोई कदर करना या फिर आप कह सकते हो कुछ भी एक्स वाई जेड, आप जैसी लाइनें हैं तो उस हिसाब से आपको हेडलाइन यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो मेरी हेडलाइन में इसको मानता हूँ, तो देन हम इसको ओके कर लेते हैं और हम क्या करते हैं इसको अब फंट इसमें ऐड करते हैं। एक फंट है विक्टोरिया नाम से, मैं उसको ऐड करने वाला हूँ आप कह सकते हो हेडलाइन के लिए। अगर आपको वो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसकी साइज़ को मैं क्या कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा साइज के सेक्शन पे जाके। ओके तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं पोजीशन पे आके यहाँ पे पिक्सल्स को बड़ा करके एकदम इसको तेजी से इधर लेके जाते हैं। इनका मतलब होता है आप किस कितनी इंक्रीज करना चाहते हो, कितने पिक्सल बाय पिक्सल आप इसको मूव करना चाहते हो ना। तो ज़्यादा करोगे तो ये तेज़ी से जाएगा, कम करोगे तो एक एक पिक्सल में धीरे धीरे जाएगा, समझे। सो मैंने इसको एकदम ऐसे सेटअप कर लिया है। सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी आप कह सकते हो शेडो को हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे शेडो के ऑप्शन पे जाके। आप चाहो तो कलर चेंज भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्लैक ही ले लेता हूँ और इसके ब्लर के रेडिएशन को भी बढ़ा देता हूँ। देन हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा एक जो के लिखा हुआ उसके ऊपर एक हर्ड बना हुआ था, वो हम करेंगे सिंपली टेक्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको फर्स्टली तो इरेज करके कोई सी भी इमेजी को आप कह सकते हो इमोजी को आप सेलेक्ट कर लो। देन इसको ओके करो और देन आप क्या करो पोजीशन के सेक्शन पे जाके इसको तेजी से नीचे लेके जाओ। चल भाई चल 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 हाँ, तो वो ई के ऊपर लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले तो इतनी साइज कर लेते हैं, आप अपने अनुसार से इसकी साइज कर लेना। के ऊपर लिख सकते हो, के ऊपर आप जो भी मर्जी हो आप वहाँ लिखो। देन हम रोटेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको सिंपली ऐसे रोटेट करेंगे थोड़ा सा और देन हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा वापस से पोजीशन और इसको भी हम ऐसे पोजीशन इसकी सेट कर लेंगे। देन अब आपको बताता हूँ इसको हमने ग्लो कैसे दिया था हर्ट को। आपको सिंपली शेडो पे जाना है, शेडो को एनेबल करके इसको रेड कलर में आपको क्या कर लेना है, ब्लर के रेडिएशन को बढ़ा लेना है। तो ये देखो ऐसी दिखने लग गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ भी नहीं है, आपको बस यहाँ पे लास्ट वाले फिल्टर के ऑप्शन पे जाना है। अब आपको ब्राइटनेस को क्या कर देना है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ज़्यादा मत करो, थोड़ा ही, जो कि आपकी इमेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है हर एक इमेज अलग अलग टेक्सचर की होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ब्राइटनेस को डिक्रीज करना चाहती है। इसको मैं राइट कर देता हूँ। आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देते हैं ओके। और देन आपको सैचुरेशन को आपको क्या कर देना, थोड़ी सी इंक्रीज कर देना है ओके। इसको मैं थोड़ा और डिक्रीज कर देता हूँ। तो देखो बस आपकी इमेज अब बन चुकी है। क्या था, कुछ भी नहीं था यार। अब बस आप चाहो अपना लोगो लगाओ, अपना नाम लिखो, आपकी मर्जी, वापस से ऐड करके कोई भी आपका मतलब कोई सा भी, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। आप इसके अंदर भी फंड्स को ऐड कर लो, कोई से भी फंड को। चलो एक बार तो मैंने ऐसे ही किसी भी फंड को यहाँ पे ऐड कर लिया और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और बस आपका अब ये इमेज बन के एकदम रेडी। तो बस यार आज की वीडियो बस इतना ही, आप इसको मन चाहो जहाँ पर रखो, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और बस। तो आज के लिए बस गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल पे भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। और हाँ, इसको सेव कैसे करना है, ऊपर सेव का ऑप्शन होगा, सेव एज ए इमेज, देन आपको डिफॉल्ट किया होगा उसको आप सेलेक्ट करके अल्ट्रा पे सेलेक्ट करो, देन इसको सेव टू गैलरी पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी गैलरी के अंदर। Sorry, SDJ.